का नाम लेते इस घर में एक मातम सा माहौल छा जाता है। I'm sorry, ये सब कहके मैंने आपका भी मूड खराब कर दिया। अगस्त्य घूंघट से ढकी मीरा को अपनी माँ के बारे में बताता है कि कैसे उनका नाम भी लेना उस घर में अपशगुन है, ये नहीं जानते हुए कि वो औरत उसी की माँ है। अगस्त्य अपने ही माँ से माफी मांगता है अनजाने में, और इमली उसे घर पर लेकर आई थी ताकि अगस्त्य को वो उसकी माँ से मिलवा सके। पर अब मीरा जो घूंघट में है, इमली से विनती करती है कि वो अगस्त्य को कभी भी सच ना बताएं, क्योंकि उसकी बातों से पता चलता है कि वो अपनी माँ से कितना नफरत करता है। पर बोलती है कि बेटे के हाथ से खाना खा के जरूर जाएगी, क्योंकि ये उसका सौभाग्य है, तो बिना खाए तो नहीं जाएगी। और इस बात पर मीरा अब इमली से हाथ जोड़कर विनती करती है, और इमली तो एकदम असमंजस में है। और वहीं पर अब इमली की काकी का गट्ठर पड़ा है, जो अम्मा जी जुगनू को बुलाती है कि उस गट्ठर को इमली के रूम में लेकर रख दे। और तभी अलका आती है, और अब उसे उस गट्ठर को चेक करना है और देखना है कि उसमें आखिर क्या सामान है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलका को शक होता है कि हो ना हो ये औरत तो जानी पहचानी सी है, पर घूंघट नहीं उठा रही। पर खोलने से पहले मीरा ठीक उसी के पीछे खड़ी होकर देखती है अलका को, और तब अलका मीरा से कई सवालात करती है और आखिरकार उसे पूछ ही लेती है कि क्या उसके पति को वो जानती है। और एक घबराई हुई मीरा कुणाल का नाम लेती है, ये बोलकर कि वो उन्हें नहीं जानती। पर तब अलका का शक और गहरा हो जाता है, और वो मीरा से पूछती है कि जब उसने अपने पति का नाम बताया ही नहीं, तो फिर मीरा को कैसे पता चला कुणाल का नाम। और इस बात पर मीरा वहां से भाग जाती है। पर ये सबसे परे अगस्त्य तो किचन में व्यस्त है और काफी व्यंजन बनाता है अपनी उस माँ के लिए। और तभी इमली भी आती है, और उसकी नजर पड़ती है एक बलून पर, जिसे उठाकर वो जाती है बाहर अगस्त्य के मना करने पर भी। और तब देखती है कि सारा सजावट है जो अगस्त्य इमली के खातिर करके रखा है। और एक इम्प्रेस्ड इमली अगस्त्य से पूछती है कि ये सब आखिर किसके लिए है। पर अगस्त्य लड़खड़ाता है और जुगनू का नाम ले लेता है। पर इमली तो आखिर कहाँ छोड़ने वाली अगस्त्य को, और आगे भी उसे चिढ़ाती है। पर क्या अब जब अगस्त्य को पता चलेगा कि इमली की काकी कहलाने वाली आखिरकार उसकी माँ है, तो क्या अगस्त्य उसे स्वीकारेगा, क्योंकि इतने सालों की कड़वाहट इतनी जल्दी तो कहाँ से जाएगी। और अम्मा जी भी तो मीरा को वहाँ एक पल भी अब रुकने नहीं देगी। जब उसे ये पता चलेगा कि ये वही औरत है जिसके वजह से उसका घर उजड़ गया था सालों पहले, पर मीरा की ममता को क्या कोई नहीं देखेगा। प्लीज वहां मत जाओ, मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रही हूं। राधा रानी, ये कैसी कहानी, ये सब कहाँ है?